कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के खतरे के कारण भारतीय रेलवे सेवा को 21 मार्च देर रात से लेकर 22 मार्च की रात 12 बजे तक बंद करने का फैसला किया गया है। भारत सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। इससे पहले कभी भी किसी सरकार ने किसी आपदा के दौरान इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था। कोरोना वायरस के खतरे को लेकर जहां सभी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 24 घंटे की रोक लगाई गई है, वहीं देश के प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील की है ताकि कोरोना वायरस के खतरे से बचा जा सके। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग का काम शुरू किया गया था। रेलवे के डीएमओ ने यह आश्वासन दिया था कि सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम उसे गंभीरता से लेते हुए चेक कराएंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत के जो सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है रेलवे ने अब जो है अपनी ट्रेनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। करीब 3,700 ट्रेनें जिन्हें निरस्त कर दिया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज शाम से लेकर कल रात के 12 बजे तक लगभग 3700 ट्रेनों को रद्द किया गया है और इस समय हम वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से जो है यात्रियों की संख्या घटी है। हम आपको दिखाएंगे यहां पर वाराणसी में कि किस प्रकार से यहां कैंट रेलवे स्टेशन की व्यवस्था है। आप देखिए जिस तरीके से यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, उसके बावजूद भी यहां पर आपको मैं दिखाऊँ, ये एक स्कैनर मशीन जहाँ सामानों को स्कैन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर न तो कोई मेडिकल टीम है न ही कोई हैंड सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से जो वाराणसी की जनता है वो उसको यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो वाराणसी है वो कोरोना के खतरे से पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। वाराणसी से विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ बकेट। सर, पार्षदों का कहना है कि एयरपोर्ट पे चेक ठीक से लोगों को नहीं किया जा रहा है और अभी हम रियलिटी चेक भी एक हम लोगों ने किया कैंट रेलवे स्टेशन पे, वहाँ ना कोई मेडिकल की टीम है और ना चेक किया जा रहा है ना सैनिटाइज किया जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? जो रेलवे स्टेशन है और एयरपोर्ट हैं उनमें यात्रियों को सैनिटाइज करने का काम नहीं किया जा रहा, इसमें केवल लोगों को थर्मल स्कैनिंग करने का काम किया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग करने के बाद किसी के भी फीवर पाया जाता है तो फिर उनको हम लोग सेपरेट ओपीडी में लेके आते हैं। थर्मल स्कैनिंग का काम रेलवे के लोगों ने जिम्मेदारी से करना शुरू किया था। बाकायदा 3-4 दिन की रिपोर्ट्स और उनके फोटोग्राफ प्राप्त होते रहते हैं। कल भी उनके सीनियर डीएमओ हमारी मीटिंग में उपस्थित थे। एनईआर और एनआर के रेलवे स्टेशंस के सभी डीएमओज ने हमें आश्वासन दिया था कि बाकायदा सबकी थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी। अगर किसी समय अवधि में ये नहीं हो रही है तो हम उसको सीरियसली चेक कराएंगे। जनरली ट्रेन्स का टाइम होता है आने का और पैसेंजर जब उतर के जाते हैं उस दौरान वो लोग उसको करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम्स भी लिमिटेड हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये डॉक्टर्स के द्वारा ही हो, थर्मल स्कैनिंग कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ भी कर सकता है। हो सकता है कि ऐसा समय कोई चेक करने गया हो जिस समय कोई ट्रेन ना आ रही हो, हालांकि इसको पूरे 24 घंटे ही चालू रहना चाहिए। अगर कहीं लैप्सेस हैं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे रेलवे को कि संसाधन बढ़ाएं। एयरपोर्ट पे सारे के सारे यात्री जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के हैं वो कंपलसरी स्कैन होके आ रहे हैं और डोमेस्टिक के हैं वो यात्री जितने भी टाइम मिलता है उस टीम को उसके अनुसार विदेशी नागरिकों को पहले हम लोग टारगेट करके चेक करते हैं। इसके अलावा बाकी लोगों को भी चेक करने का काम किया जा रहा है। जहाँ तक पार्षदों की बात है उनके फीडबैक पे हम लोग सीरियसली देखेंगे और फिलहाल उनकी पर्सनल जिम्मेदारी ये है कि वो सेल्फ क्वारंटाइन में रहेंगे तो खुद का भी बचाव कर पाएंगे, मोहल्ले के लोगों का भी बचाव कर पाएंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।